Assalamualaikum. तो यार जब से मैंने YouTube स्टार्ट किया मेरी दो ही बड़ी ख्वाहिशें थी, एक कि मेरे जल्दी से 1K सब्सक्राइबर हो जाए और दूसरा द शहजाद शो द लेजेंड से मिलना। तो जैसे कि शहजाद भाई को आप सब जानते ही होंगे, नहीं जानते सच्ची किस पत्थर के नीचे रह रहे यार, शहजाद भी इधर लेजेंड को नहीं जानते। मैं किस लिए मैं बताता हूँ आप लोग को, चेक। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अरे यार ये क्या लगा दिया तूने, ये शहजाद शो नहीं है, इरफान जी ने जो है दूसरा लगा। मेरे कमरे में बैठ कर ही 20,000 हुए। तो 1,000 सब्सक्राइबर वाली ख्वाहिश होना सकी पूरी, मगर शहजाद भाई से मिलने का मुझे मिल गया चांस। तो कुछ दिन पहले आए शहजाद भाई कराची और उन्होंने रखा एक मीटअप, तो जिसकी वजह से शहजाद भाई से मिलने की मेरी ख्वाहिश हो गई पूरी। तो आप लोग यही सोच रहे होगा ना कि तू ओमान में है, शहजाद भाई ने मीटअप कराची में रखा है, तो तेरी उनसे मिलने की ख्वाहिश कैसे पूरी हुई? मैं बताता हूँ, मैं हूँ ना, मैं किस लिए हूँ यार, मैं बताता हूँ आपको। तो यार जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है तो यूट्यूब पे मेरे काफ़ी फ्रेंड बन गए जो मेरे फेलो यूट्यूबर हैं। तो यार जैसे कि मैं ओमान में हूँ, मैं कराची में नहीं हूँ, और मीटअप कराची में है, मैं ओमान में हूँ, तो यार मेरी जगह कोई और भी तो ये काम कर सकता है ना। तो उन सब फ्रेंड में से एक मेरा फ्रेंड था ज़ियान न्याजी। तो 27 जुलाई को शहजाद भाई ने किया मीटअप का अनाउंस और 28 जुलाई को ज़ियान भाई निकल गए मीटअप के लिए। अस्सलाम वालेकुम राहिल भाई। राहिल भाई सीन ऐसा है कि अभी मैं निकल रहा हूँ शहजाद भाई के मीटअप के लिए, और वहाँ जाके मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि शहजाद भाई से मैं मिलूँ और आपके लिए एक वीडियो क्लिप बनाऊँ कि वो आपको सलाम बोल रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी, अभी हम निकल रहे हैं, तो चले चलते हैं। यार राहिल हमने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी है, शहजाद भाई ये राहिल हमारे आपके बहुत बड़े फैन है ओमान से, तो उनको सलाम बोल रहे हैं। तक आप देख रहे हैं चेक टीवी, और ख्वाहिश पूरी कर दी हमने तुम्हारी, सही है। तो यार इस तरह मेरी शहजाद भाई से मिलने की ख्वाहिश पूरी हो गई, तो ये मेरे लिए मतलब बहुत बहुत बड़ी बात थी। यार जब से मैंने यूट्यूब पर स्टार्ट किया, मैं वक्त से शहजाद भाई को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, मैंने उनका घंटी और सब्सक्राइब का बटन बहुत ज़ोर से दबाया हुआ ताकि नोटिफिकेशन आते ही मैं उनका ब्लॉग देख लूँ, क्योंकि मैं उनका कंसिस्टेंट वाला व्यूअर हूँ। और कुछ होंगे एक दो ब्लॉग जो मैंने नोटिफिकेशन के बगैर देखा, लाइक नोटिफिकेशन आया मैंने देखा ना जॉब की वजह से। तो मेरा सबसे बेस्ट फेवरेट है उनका मिशन लॉस एंजलिस। तो मतलब मैं ओमान में होते हुए शहजाद भाई से मतलब मुझे नहीं मिल सकता था, तो वीडियो ही सही, तो वीडियो उन्होंने भेजी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत आज मैं फील करूँ मैं हवाओं में हूँ। तो ये सीन है, तो इन सब का क्रेडिट जो है मेरे प्यारे प्यारे भाई ज़ियान भाई को जाता है, और अर्शु ब्लॉग को भी जाता है, उन्होंने चेक चेक बोला। तो ज़ियान भाई लव यू, शहजाद भाई लव यू। आप मतलब ज़ियान भाई आप तो मतलब दिल में बैठ गए अभी। तो ये सीन है, और बाकी यार मतलब मैं और कुछ बोलूंगा नहीं, मतलब मेरे से ना मतलब ये व्लॉग भी नहीं बनाया जा रहा, मतलब बहुत ज्यादा कुछ था। और हाँ एक बात है वो सुन के जाओ, बहुत जरूरी है। तो किसी बहुत ही मशहूर फनकार ने क्या खूब कहा है, कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आज ज़ियान भाई की वजह से मैं शहजाद भाई से मिलके बहुत खुश हुआ, तो इन सब चीज़ों के लिए शुक्रिया ज़ियान भाई।